हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपनी लाइफ में। और दोस्त अभी हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं, काम तो तभी छुट्टी हो गया 3:30 बजे, और कहीं घूमने जाने वाले हैं। देखिए स्नेहा की मम्मी भी तैयार हो गई है, स्नेहा को तैयार होना बाकी है और हम भी तैयार हो गए हैं। तैयार होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बस इंतजार कर रहे हैं, जाने का टाइम आने वाला है। इसके बाद जो है जाएंगे हम लोग सारे लोग घूमने के लिए। और इधर स्नेहा को भी तैयार किया जा रहा है, देखिए सैंडल पहन रही है, कपड़ा तो पहन ली, इसको ये सैंडल बहुत पसंद करती है। हाँ चलो हो गया। अच्छा कंघी लगाना बाकी है, तो कंघी लगा थोड़ा सा। हाँ आज का ड्रेस है स्नेहा, और मेरा ड्रेस जो है ऊपर का व्हाइट व्हाइट है, और नीचे का तो थोड़ा अलग ही है। इधर भी कला कला मैच हो रहा है, मेरा जूता है इसका भी, ये नीचे वाला थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। देखिए और स्नेहा के मम्मी का थोड़ा अलग है, इसका गुलाबी जैसा जो है कुछ दिख रही है। और अभी हम लोग तैयार हो गए पूरी तरह से, अभी जाने के लिए तो रवाना होते हैं दोस्त। तो स्नेहा की मम्मी और स्नेहा आगे आगे निकाल दी, यही दोनों आज ले जाएंगे। कहाँ जाना है हमको उतना मालूम नहीं है, क्योंकि जो है हमको उतना मालूम नहीं, अनजान है। ससुराल जा रहे हैं दोस्त, ससुराल जाना कि मेरा ससुराल जाना है कि उसका ससुराल जाना है। दो ससुराल है, स्नेहा कहीं भी जाने के लिए पीछे नहीं हटती है और आगे ही रहती है, इसको भी नहीं पता होगा कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो यही है हम लोग का आने जाने का रास्ता, कुछ इस तरह है। छोटा सा पतला सा सड़क है, और बहुत सारा पत्ता गिरा हुआ है इधर भी, देखिए आधा रास्ता पहुंच गए हैं। और ये देखिए स्नेहा की मम्मी और स्नेहा यहीं पर पहुंच गई है, और उनके साथ में यहाँ पर जो है एक उसका साड़ी, और ये क्या बोलते हैं ब्लाउज, एकदम पूरा मैचिंग करता है उसके साथ। रंगीन रंगीन फूल नहीं है, ये पेड़ है, पौधा है। और स्नेहा की मम्मी और स्नेहा आगे आगे में जा रही है, हम पीछे पीछे में। तो ये रहा कुछ इस तरह नजारा है, ये मोदी नहीं दिया है रास्ता, ये ऐसे ही मतलब रास्ता नहीं जाने का है। अरे बाप, ये कौन सा फूल बोलते हैं, कौन सा फूल बोलते हैं, क्या जो फूल बोलते हैं, अड़हल फूल, इसका इसका नाम नहीं पता है हमको भी दोस्त। लेकिन ये जो है ना जल्दी सूखता नहीं है, बहुत दिन ऐसे ही खिला हुआ रहता है, ये जो पत्ता भी सूख जाएगा लेकिन ये फूल सूखेगा नहीं। हमारे उधर इस ठंडा के मतलब सीजन में बहुत सारा ये ऐसे फूले फूलता है, और इधर भी है बहुत सारा। ये देखिए स्नेहा भी छू रही है, देखो देखो, और कितना अच्छा फूल के बगीचे में, देखो अपना उधर बहुत सारा ऐसे फूल होता है। ये देखिए कितना मस्त दिख रहा है, देखो रंगीन 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 रंगीन। और दूसरा फूल उधर है, उसको दिखते हैं। और ये रहा क्या फूल है, ये हमको उतना मालूम नहीं, ये स्नेहा का ड्रेस मैच कर रहा है। ये देखिए बड़ा सादा सादा दिख रहा है, इसके बाद उधर अरहर है। अरे ये वाला कौन सा फूल बोलते हैं, ये रहा स्नेहा की मम्मी यहाँ पर फूल का, हाँ फूल का छू के देख रहे हैं, अपने अगर ऐसा फूल है नहीं कभी, हाँ इसलिए छू के देखना जरूरी है। दोस्त हम लोग का कुछ फोटो शूट करने का मन करता है, इसलिए अभी फोटो शूट करते हैं, इसके बाद फिर मिलते हैं। तो दोस्त हम लोग का फोटो शूट हो गया है, और उनके भी हम खींचे। और ये वाला कौन सा फूल है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए दोस्त। ये रहा कुछ इस तरह दिखता है गोल गोल। अरे बाप रे, फूल है का फल है, ये तो हमको इतना मालूम नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ भी दिखने को मिलेगा ना दोस्त, कुछ अलग ही दिखने को मिलेगा, अपने उधर जैसा नहीं। ये देखिए भी अलग है, सब कुछ अलग है, अलग है, और पहनावा भी अलग है, खाने पीने का भी अलग है, सब कुछ अलग है। अच्छा स्नेहा छूने के लिए बोले, चलो
देखो चुके देखो, अरे फूट जाएगा, कितना अच्छा दिखता है बोल। चला खुश हो गई, बोले ये क्या है, देखो देखो उन लोगों को पूछो ये क्या है, बोला बोला तो। तो दोस्त अभी हम लोग घर के लिए निकल गए हैं, बहुत घूम लिए, बहुत सारा फोटो खींचे और बहुत सारा यहाँ फूल के बगीचे में हम लोग आनंद लिए। तो अभी हम लोग घर के लिए निकल गए हैं, यहाँ कोई नहीं है इसलिए हम लोग थोड़ा रुके हुए हैं कुछ देर के लिए। केला का बगीचा है, कितना अच्छा पेड़ लगा, ये लाल किला है दोस्त, दिल्ली में नहीं है, केरला में भी लाल किला है दोस्त। आप लोग सोचेंगे दिल्ली में कल होगा लाल किला, नहीं यहाँ पर भी लाल किला है, लेकिन अभी फला नहीं है, खाली खाली पेड़ है, खाली खाली पेड़ है। चलो। और ये देखिए पौधा कितना अच्छा, अरे ये रहा, ये वाला इसके साइड के साथ मैच करता है इसलिए वो जो बोल रही है ये वाला पौधा, और दूसरा वाला इधर भी है, ये पत्ता ही फूल जैसा दिखता है। तो दोस्त हम लोग आ चुके हैं घर के पास और पहुंचने वाले हैं, काफी दूर गए थे घूमने के लिए, क्या करें घूमने का इच्छा तो जाना पड़ेगा जितना भी दूर हो या पास हो। तो ये रहा हम लोग का घर दोस्त, अभी हम लोग दुकान जा रहे हैं और कुछ खाने के लिए लाना है। तो ये रहा स्नेहा, चल पड़ी अकेले के लिए दुकान से हम लोग के लिए खाने के लिए लेके आ रहे हैं। स्नेहा हंस रही है क्योंकि उसको खाने को मिला है ना आज, क्या है स्नेहा, है क्या कुछ दिखा रही है, नाम इसको भी मालूम नहीं है, हमको भी मालूम नहीं है, सिर्फ इतना मालूम है ये खाने का है। स्नेहा की मम्मी वहां पर इंतजार कर रही है हम दोनों का, धीरे धीरे चलो धीरे धीरे चलो। तो दोस्त हम लोग आ गए दुकान से और घर आ गए, घर आ गए पूरा थक गए चलते चलते, इसको भूख भी लग गई इसलिए जो है कुछ खाने के लिए लेके आए हैं दुकान पे। ये क्या है, केरला का जलेबी है, केरला का जलेबी देखिए कुछ इस तरह है, इसमें रस नहीं है दोस्त, इसमें चटनी नहीं है, सूखा वाला है। तो दोस्त हम लोग पूरा तैयार होके गए थे कहीं घूमने के लिए और घूम के आ गए, धज के तो गए थे दोस्त लेकिन कुछ इतना स्पेशल आप लोगों को नहीं दिखाए। हाँ क्योंकि हम लोग ना गांव में अभी और हम लोग अभी बाहर में अभी गांव तक पहुँचे नहीं है, तो इसी घर में ही हम लोग क्या ले रहे हैं त्योहारों का, पहुंच नहीं पा रहे हैं घर तक, तो इसलिए अपने में ही हम लोग अपनों को ही देखकर खुशी हो रहे हैं कि गांव में त्योहार हो रहा है, क्योंकि हम लोग अभी नहीं ना पहुंच पाएंगे। हाँ इसलिए हम लोग गांव जैसे ही महसूस कर रहे हैं आज के दिन, गए नहीं है क्योंकि जो है ना जाना चाह रहे थे लेकिन ऐसे स्थिति आ गया, हम लोग जो है जा नहीं पाए और हम लोग को रहना पड़ा, इसलिए आज त्योहार है हम लोग के गाँव में। कोई इसमें डेट फिक्स नहीं है, गांव का अलग अलग डेट में होता है लेकिन आगे पीछे होता है, ये मकर संक्रांति के बीच में होता है, तो इसलिए आज हम लोग नहीं जा पाए। तो हम लोग घूम करके आगे मूड फ्रेश करके अपने गांव के त्योहार के याद में हम लोग घूमे, तैयारी मतलब सज भज के हम लोग गए थे बस ऐसे ही, और कितना सज भजेंगे बस, हम लोग तो हीरो हीरोइन के नहीं है, स्टार के नहीं है कि और पहन ले, बस जितना है उतना ही पहनते है ना, आज इतना है उतना ना खाएंगे खोलिए जी इसको, तो इसी से आज हम लोग मीठा करते हैं त्योहार का आनंद लेते हैं। जलेबी का ये देखिए स्नेहा को मिल गया है लेकिन हमको नहीं मिला दोस्त, ये देखिए केरला का जलेबी। इस जलेबी को इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह जलेबी गोल गोल घुमाया है इसलिए इसी तरह हम लोग भी अपने प्यार में बंधे रहे, गोल गोल एक दूसरे में जुड़े रहे, आज के दिन खुशियाँ का दिन ही ना इसलिए खुशी खुशी ये सब कह रहे हैं। तो दोस्त खाते खाते आधा हो गया हम लोग थोड़ा खा के खत्म कर दिए, अभी दो चार दो तीन को बचा हुआ स्नेहा के लिए है, वो खाएगी कभी कभी कस गांव में रहते। तो दोस्त क्या करें, गांव का याद तो आ रहा है, त्योहार का याद तो आ रहा है लेकिन यहाँ तो कहीं घूमने का भी नहीं जा सकते ना, इतना दूर मतलब लिमिट एरिया में रहते हैं ना, लिमिट एरिया में ही घूमना है फिरना है, कहाँ जाएंगे, इसलिए कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं आप लोग को भी और हम लोग भी नहीं दिख पा रहे हैं, और अपना गांव में रहता तो बहुत दिखाते इस त्योहार के दिनों में, जैसे हम लोग क्या क्या पहनते हैं कैसे डांसते हैं नाचते हैं खाते पीते हैं, गांव का त्योहार किस तरह मनाया जाता है वो भी दिखा देते हैं, लेकिन अब हम लोग नहीं दिखा पाएंगे इस बार, लेकिन कोशिश करेंगे अगली बार दिखाएंगे आप लोग को।
गांव के त्योहार में किस तरह लोग रहते हैं, किस तरह के गांव में जब त्योहार होता है तो किस तरह रहते हैं, मेहमान सब आते हैं, वो सब दिखाएंगे। क्या करें, इस साल हम लोग नहीं जा पाए, इधर में हैं, इसलिए जाना तो चाहते थे पर नहीं जा पाए। फिर भी हम लोग यहीं पर रहकर गांव का एहसास हो रहा है कि गांव में त्योहार हो रहा है, और इसी हम लोगों का जो चेहरा में झलक आ रहा है कि गांव के खुशी में ही ये हंसी सब निकल रहा है। इतना आज उसी के याद में ही हम लोग इस तरह अभी दिख रहे हैं, नहीं तो आप लोग देखे होंगे वीडियो में हम लोग किस तरह रहते हैं। फटा वटा कपड़ा पहनते हैं, काम करते हैं, दोस्त बिल्कुल लेबर जैसा, लेबर ही है, लेबर तो है ही, कोई ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर तो नहीं है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए दोस्त, ताकि हम लोग ये लेबर का काम छोड़ के मतलब कुछ अलग करें, तो इसीलिए ब्लॉग बनाते रहते हैं हर टाइम, जितना भी टाइम मिलेगा ब्लॉग बनाएंगे। नहीं मिलने पर ब्लॉग नहीं आता दोस्त, तो हम लोग इसलिए एक दो दिन बाद ब्लॉग डालते हैं। काम करते करते थक जाते हैं ना, पर समय भी नहीं मिलता है, टाइम भी नहीं मिलता है। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं दोस्त, तो ब्लॉग को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें दोस्त, और खुश रहें, खुशियाँ बांटें दोस्त। बाय बाय।